नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निकाय चुनावों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। देखिए आज छुट्टी के दिन, नवरात्रि में महानवमी के दिन पटना हाईकोर्ट को खोला गया। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस एस कुमार बैठे, फैसला सुनाया गया है। आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी, तो देखिए पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर में होने वाले चुनाव को आंशिक तौर पर रोक दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जिन सीटों पर आरक्षण के तहत अति पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का रिजर्व किया गया था, उसे चुनाव नहीं होंगे, मतलब वहां चुनाव नहीं होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निकाय के चुनावों के बारे में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में पटना हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करनी थी, तो देखिए उन्हें झटका लगा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश पर, चाहे वह नगर निकाय में, चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, जिन सीटों को पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किया था, वहां चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को संपन्न नहीं कराए जाएंगे। इसका आशय यह भी निकल रहा है कि जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण था, वहां चुनाव संपन्न होंगे। जहां अनारक्षित था, मतलब नॉट डिजर्व, अनडिजर्व, वहां चुनाव संपन्न होंगे। तो पटना हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर, अब देखिए इस ऑर्डर से राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल एक आदेश निर्गत करना होगा। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही सारे उम्मीदवारों को सूचित कर दिया था कि जो पटना हाईकोर्ट का आदेश आएगा उससे चुनाव प्रभावित होगा। तो देखिए ये आदेश आ गया है और इसी बात को लेकर आवेदक हाईकोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वे बार बार कह रहे थे कि देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति और गमली मामले में जो फैसला सुनाया था उसके विपरीत है। और कहा यह जा रहा था कि ये रिजर्वेशन जो है संविधान के तहत पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और जब आपको रिजर्वेशन देना होता है तो एक आयोग का गठन करना होता है हर चुनाव के पहले, जो यह तय करता है कि किन निकायों में ये जो पॉलिटिकल लोग, मतलब जातियां हैं, जो समाज की जातियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि जहां सीटें आरक्षित थी उनका चुनाव रोक दिया गया है, वह चुनाव फिर से रीनोटिफाइड करेगा चुनाव आयोग। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देखिए ऑर्डर बहुत विस्तृत है, इसकी हम समीक्षा करेंगे, हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, व्याख्या प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जो सूचक हैं, इंफॉर्मर हैं, हाईकोर्ट के भीतर मौजूद हैं, जो वहां सुनवाई हो रही है या फैसला सुनाया जा रहा है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुना रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब यह हो रहा है प्रथम दृष्टया कि पटना नगर निगम की बात कर ले तो मेयर का चुनाव संपन्न होगा, लेकिन डिप्टी मेयर जो रिजर्व था ईबीसी के लिए उसे रोक दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।